हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में बात करेंगे क्लास 10th सीबीएसई 2021 और 2 सेशन के टर्म 1 के सिलेबस की बात करेंगे, जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है उसकी बात करेंगे, या आप बोल सकते हैं कि जो भी आपका सीबीएसई के द्वारा जो भी सिलेबस आपका डिलीट किया गया है उसकी बात करेंगे कि कौन कौन से पोर्शन जो हैं आपको नहीं पढ़ना है। और साथ में हमने एनसीईआरटी बुक के माध्यम से आपको टिक भी लगवाया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने मार्क भी कराया है बुक से, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट में उसको आप चेक कर सकते हैं। और साथ में हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उस वीडियो का दे देंगे, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बता दें कि जो आपके टर्म 1 के सिलेबस हैं उसका जो पेपर होने वाला है वो आपका एमसीक्यू टाइप का होने वाला है। जी हाँ, जो पेपर होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, या आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सीबीएसई क्लास 10th की बात कर रहे हैं, सेशन 2021 और 2 की बात कर रहे हैं, जो आपका नया रिड्यूस्ड सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग पेपर के टाइमिंग की बात करें तो आपको 90 मिनट्स मिलेंगे पेपर को करने के लिए। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे उसका जो वेटेज रहेगा आपका 40 मार्क्स का रहेगा, और जो आपके 10 मार्क्स रहेंगे वो आपका स्कूल का प्रैक्टिकल हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, वाइवा हो सकता है, या आप बोल सकते हैं कि स्कूल से रिलेटेड जो भी आपके प्रोसेस कराए जाएंगे स्कूल में, उससे आपको 10 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी मार्किंग की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और साथ में कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट किए गए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि जो आपके टर्म 1 के आपके पेपर होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो अब बच्चे क्या करेंगे, एमसीक्यू को बनाना चालू करेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, सीख लीजिए, देन आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली जो है एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले सभी चैप्टर की पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, देन उसके बाद आपका एमसीक्यू की हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे। इस चैनल पर भी आपका जो है क्लास 10th सीबीएसई के कंप्लीट कोर्स कराए जाएंगे, उसको आप जो है प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर का जो चैप्टर है वो आपका रियल नंबर है। रियल नंबर में आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है और 1.3 है, ये आपका जो है डिलीट कर दिया गया है। अगर हम बात करें आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड की बात करें तो 1.1 का आपका एक्सरसाइज होने वाला है, और आपका रिविजिटिंग इरेशनल नंबर जो हम लोग प्रूव करते थे आपके एक्सरसाइज आपका 1.3 की बात करें तो रूट 2 को आपको इरेशनल प्रूव करना था, रूट 3 को आपको इरेशनल प्रूव करना था, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है प्रूफ वाले नहीं दिखने वाले हैं। 1.4 है वह आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देख लीजिएगा, रेशनल नंबर की बात उसमें होगी। नेक्स्ट वन आपका चैप्टर 2 और 3 की बात करें तो यह आपका एलजेब्रा से रहने वाला है, जिसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, और आपका नंबर सिस्टम या आप बोल सकते हैं रियल नंबर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। पॉलिनोमियल में जो है एक्सरसाइज आपका 2.3 जो है उसको आपका डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, आपका 2.3 जो है एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का, उसको आपका जो है रिमूव किया गया है। नेक्स्ट वन आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो इसमें कोई भी आपका जो है पॉइंट्स डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन एक्सरसाइज आपका 3.5 आपका डिलीट किया गया है, जिसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपका 3 तरीके के मेथड होते हैं, आपके एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, और लास्ट वन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जो एग्जांपल हैं और साथ में एक्सरसाइज आपका 3.5 वो आपका डिलीट कर दिया गया है। दूसरे मेथड से आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में एक सजेशन है उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेंगे, अगर आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेंगे तो आपको जो है इस पोर्शन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी प्रैक्टिस करना है, जो आपको हायर क्लासेस में यूजफुल होंगे। नेक्स्ट वन आपका चैप्टर 6 की बात करें तो आपका ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में आपका कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है,
जो आपका थ्योरम है प्रूव करने वाला, वो आपका प्रूव करने वाला थ्योरम नहीं पूछा जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, उसके रिजल्ट्स को आप जो है याद कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कि यह भी आपका स्कोरिंग पार्ट रहने वाला है ट्रायंगल और साथ में आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टोटल आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो है 7.3 आपका डिलिक्ट है, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपका पार्ट है उसको आपका डिलिक्ट किया गया है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, यह सभी से आपके क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाएंगे। तो आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो 7.3 जो है एक्सरसाइज उसको डिलीट किया गया है। हमने पहले ही बता दिया है कि जो आपका एनसीईआरटी का स्टेप बाय स्टेप आपका बुक में मैंने टिक लगा दिया है, उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से उसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन आपके ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें जो है आपके 8.3 इसको डिलीट किया गया है, जो आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाती है, जो आपका 90-θ की बात की जाती है, उसकी आपको जो है एक्सरसाइज को नहीं करना है। लेकिन जो बच्चे क्लास 11th में मैथमेटिक्स को चूज करेंगे उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री के सभी पोर्शन को करना है, ये मेरी तरफ से सजेशन है। और साथ में 0 और 90s की वैल्यू के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके 8.4 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आप कट कर सकते हैं, और 8.3 जो है वो पूरी तरीके से डिलीट है, और 8.4 का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन आप जो है कट कर सकते हैं, लेकिन 8.4 जो है स्कोरिंग है इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसको आप एक अच्छे फॉर्म में उसके एग्जांपल्स और साथ में उसके एक्सरसाइज को करिएगा। नेक्स्ट वन आपका चैप्टर आपका 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की बात करते हैं, जिसमें आपका 12.8 आपको नहीं करना है। जो आपका सेंट्रल एंगल, अगर आपका 120 का प्रॉब्लम है, 120 वाला प्रॉब्लम है, तो उसको आपको नहीं करना है। इसके से रिलेटेड आपके जो हैं कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, तो उसको आप जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं। यह आपका जो है 4 मार्क्स का पोर्शन रहने वाला है, और ट्रिग्नोमेट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लास्ट वन आपके प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रायिकता की बात करें, चैप्टर आपका 15 रहने वाला है, इससे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि इसको हम लोग कर लेंगे, लेकिन आपका जो है 3 मार्क्स भी इसका वेटेज है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आपके सिंपल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आपके पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका टर्म 1 का सिलेबस है पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। उधर आपकी मार्किंग लिखी गई है, उसको ध्यान रखिएगा। 6, 10 और 6, 5, 4 और 3 वहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आपका टर्म 1 के अगर सिलेबस की बात करें तो आपका टोटल जो है यही आपके चैप्टर आएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 6, 7, 8, 12 और 15। तो आप बोल सकते हैं कि 3 और 3 आपका 6 और 2 8, टोटल आपके 8 चैप्टर जो हैं आपको टर्म 1 में पढ़ने हैं, और टर्म 2 के सिलेबस जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस और साथ में आपके डिलीटेड पोर्शन थे उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपके एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आपके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपके जो है टर्म 1 के एग्जामिनेशन आपके हेल्ड हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पूरी तरीके से अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम या डाउट्स आता है तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और साथ में लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।